नमस्कार, आज हम कुछ बातें कैंसर के बारे में करेंगे। 70% कैंसर ऐसे होते हैं जो हमारी जीवन शैली के साथ जुड़े हुए हैं, तो हम अपनी जीवन शैली में कुछ अगर हम बदलाव लाएं तो हम जरूर कैंसर से हम लोग बच सकते हैं। इंडिया में मुंह का कैंसर, गले का कैंसर बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हैं। ये तंबाकू को केवल अगर हम लोग कम कर दें तो ज़्यादातर हमारे कैंसर्स को हम लोग रोक सकते हैं। शराब से कई प्रकार के कैंसर होते हैं, जैसे आंतड़ों के कैंसर्स, लीवर कैंसर, कोलन कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर। तो इस तरीके के कैंसर से अगर हमें बचना है तो हमें अल्कोहल से भी हमें बचना होगा। पानी एक हमारे शरीर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, और पानी पीने से हमारे जो यूरिन फॉर्मेशन होता है उसमें जो हमारे जो टॉक्सिन्स हैं, जो भी हमारे जो पॉल्यूटेंट्स टॉक्सिन्स वगैरह, उसमें वो साफ होकर के हमारे किडनी के द्वारा बाहर निकल जाती हैं। हरी और कलर्ड सब्जियां, जो रंगीन सब्जियां हैं, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। हरी सब्जियों में मैग्नीशियम होता है जो हमारे जो टॉक्सिन्स हैं, जो हमारे कोलन कैंसर जैसी बीमारियों को हम लोग को कम करता है। एक्सरसाइज, व्यायाम, मेडिटेशन और इसके साथ हमारे बॉडी वेट को हमारे संतुलित रखना बहुत आवश्यक है। तो हमें एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज, कम से कम हफ्ते में 3 दिन 20 मिनट का एक्सरसाइज जरूर करें। सेल फोन से हमारे कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसे निकलते हैं जो हमारे को, हमारे ब्रेन सेल्स को अफेक्ट कर सकते हैं, तो कम से कम सेल फोन को यूज़ करें। पेस्टिसाइड से हमें बचना है, ऑर्गेनिक फूड्स या फ्रेश फूड्स के ऊपर हम लोग ज़्यादा ध्यान दें। रेडिएशन से बचें, एक्सरे, सीटी स्कैन, इस तरीके के जो बहुत सारे जो इन्वेस्टिगेशंस है, जो एक्स्ट्रा इन्वेस्टिगेशन है, उससे हमें दूर रहना है, उसको हम लोग कम से कम करें। अर्ली डायग्नोसिस से हम लोग कैंसर से हम लोग बच सकते हैं। नियमित जांच से अर्ली डायग्नोसिस होता है, कैंसर जैसी बीमारी या कोई दूसरी भी बीमारी अगर हो उसकी समय पे डायग्नोसिस बन सकती है तो उसका ट्रीटमेंट सहजता से हो सकता है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो है हमारे सर्वाइकल कैंसर, जो लेडीज़ में सबसे ज़्यादा इंडिया में कैंसर होते हैं, 9 साल से ऊपर 46 साल तक हर लेडी को ये टीके अपनाने चाहिए।